वेलकम फ्रेंड्स, आपके शुभ दिन की कामना करते हुए यूट्यूब के लर्निंग लोकल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 मार्च है। आज करेंट अफेयर्स में हम देखने वाले हैं क्रिकेट प्रशासन विवाद के लिए मध्यस्थ नियुक्त, भारत अमेरिका नवीं रणनीतिक सुरक्षा वार्ता, फरवरी महीने का थोक मूलाधारित मुद्रास्फीति, इसरो पुरस्कार 2017, कोयला उत्पादन में वृद्धि, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल परीक्षण और विश्व किडनी दिवस। प्रश्न एक देखते हैं, क्रिकेट प्रशासन के विवादों को निपटाने के लिए किसे मध्यस्थ नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है PS नरसिम्हा को। कल 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने, टू जज बेंच, दो जजों की पीठ ने PS नरसिम्हा, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया है BCCI के विवादों को निपटाने के लिए। BCCI के प्रशासन के लिए कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की नियुक्ति करी है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब प्रशासक समिति का गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रशासक समिति और वेरियस क्रिकेट एसोसिएशंस हैं जो स्टेट्स के हैं, उनके बीच विवाद चल रहा है, उन विवाद को निपटाने के लिए PS नरसिम्हा को नियुक्त किया गया है मध्यस्थ के रूप में। इस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने, पीठ ने यह भी कहा है कि BCCI से संबंधित किसी भी तरह का केस देश के किसी और न्यायालय में नहीं चलेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा। साथ में हमने देखा था 21 फरवरी के करंट अफेयर्स में BCCI के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति करी थी, जिनका नाम है DK जैन। ऑम्बुड्समैन क्या होता है हमने वहाँ पे देखा था विस्तार से। तो इस तरह से पहला टॉपिक हो गया, PS नरसिम्हा को अपॉइंट किया गया है मध्यस्थ ग्रुप में, जो COA मतलब क्रिकेट प्रशासन समिति और वेरियस स्टेट क्रिकेट्स बोर्ड के बीच विवादों का निपटारा करेंगे। भारत अमेरिका नौवीं रणनीतिक सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है? इसका उत्तर है वाशिंगटन में हुई है। कभी वाशिंगटन में होती है तो कभी भारत में होती है, तो अभी नौवीं राउंड की वार्ता हुई है वाशिंगटन में और यह 13 मार्च को हुई है। वार्ता में भारत की तरफ से भारत के विदेश सचिव विजय गोखले गए और वहाँ की अधिकारी थी एंड्रिया थॉम्सन। मिस एंड्रिया थॉम्सन और विजय गोखले के बीच नौवीं रणनीतिक सुरक्षा वार्ता हुई वाशिंगटन में। इस वार्ता में चार तरह की बातें कही गई मुख्य रूप से। एक नंबर हुआ कि जो भी मास डिसीजन के वेपन्स हैं, हथियार हैं, उनका उनका उनको बढ़ने से रोकना है, पहला नंबर वार्ता में थी। चार बातें हुई है, एक मास डिसीजन के वेपन्स को रोकने से है, दूसरा है कहा गया कि जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो इन्होंने कहा कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि आतंकवादी जैसे संगठनों के हाथों में न आ सके न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरी बात इन्होंने ये कहा। तीसरी बात में कहा गया भारत में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डेवलप किए जाएंगे। और चौथी बात हुई NSG की सुरक्षा सदस्यता के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, इसकी सदस्यता के बारे में की गई, इसमें 48 मेंबर्स हैं। कहा गया कि जल्द ही भारत को इसकी सदस्यता दिलाने की कोशिश की जाएगी USA के द्वारा। चार बातें हुई है नौवीं रणनीतिक सुरक्षा वार्ता जो वाशिंगटन में हुई है उसमें। फरवरी महीने का थोक मूलाधारित मुद्रास्फीति कितना है? उत्तर है 2.93%। देखते हैं इसे ठीक से। हमने देखा था 2 दिन पहले, एक था रिटेल इन्फ्लेशन और आज है होलसेल इन्फ्लेशन। देखिए, जब सामान होलसेल मार्केट से खरीदा जाता है
तो वहाँ पे दाम बढ़ता है घटता है, वहाँ पे जो दाम बढ़ने और घटने का आकलन होता है उसका आधार होलसेल आइटम्स होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ सेल छूट गया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड मुद्रास्फीति। और हमने जो कल देखा, 2 दिन पहले देखा था, उसमें था रिटेल इन्फ्लेशन, मतलब खुदरा मुद्रास्फीति, मतलब जब वो बाजार में आ जाता है जहाँ से कंज्यूमर्स खरीदते हैं वहाँ पे दाम बढ़ना घटना का जो आकलन होता है उसे बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। तो थोक का जो इन्फ्लेशन होता है उसे बोलते हैं थोक आधारित, और जो खुदरा का होता है उसे बोलते हैं रिटेल आधारित, खुदरा आधारित, राइट। तो हमने देखा था इसका वो फरवरी महीने का खुदरा आधारित मुद्रास्फीति है 2.57%, और फरवरी महीने का ही थोक आधारित मुद्रास्फीति है 2.593%। यह तो 2 दिन पहले ये जारी हो गया था और अभी जारी हुआ है यह वाला डाटा। इसे जारी करता है CSO, लेकिन इसे जारी करता है होलसेल बेस्ट को जारी करता है इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार जारी करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर होता है, इनके अंडर में होता है आर्थिक सलाहकार। ये ध्यान रखना है होलसेल इन्फ्लेशन जारी करता है इकोनॉमिक एडवाइजर। हमने जनवरी महीने में इस चीज़ को डिस्कस किया था जब हमने होलसेल इन्फ्लेशन एंड रिटेल इन्फ्लेशन देखा था, विस्तार से डिस्कस किया है जनवरी में हमने। जो होलसेल इन्फ्लेशन है इसका बेस ईयर है 2011-2012, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हमने देख लिया कि फरवरी महीने में 2.93% बढ़कर हो गया है। बढ़ने का कारण है कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनका दाम बढ़ गया है फरवरी महीने में, जनवरी महीने में उनका दाम था बढ़ा था दाम था अगर 3.54%, तो बढ़ गया है वहाँ से 4.84%। ऐसे ही फ्यूल और कोल सेगमेंट का भी दाम बढ़ा हुआ है, पहले था 1.85% जो बढ़कर हो गया है 2.23%। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है, आपको समझने के लिए दिया गया है कि बढ़ा क्यों। फिर यहाँ बता दिया रिटेल इन्फ्लेशन बता दिया पहले फरवरी महीने का 2.57, तो देख याद रखना है आपको फरवरी महीने का रिटेल इन्फ्लेशन 2.57 और होलसेल इन्फ्लेशन है 2.93। जारी कौन करता है इसे याद रखना है पूरी तरह से, हमेशा आएगा यदि इन्फ्लेशन तो हर महीने चेंज हो जाएगा। CSO जारी करता है रिटेल इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक एडवाइजर जारी करता है होलसेल इन्फ्लेशन को। इसरो पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2007 में हुई है, देखते हैं। 13 मार्च को इसरो पुरस्कार दिया गया है, 96 व्यक्ति या टीम को दिया गया है। इसरो में जो कार्य करते हैं वो उनको प्रोजेक्ट्स, किसी प्रोजेक्ट पे काम किए रहते हैं, किसी कार्यक्रम पे काम करते हैं, तो उनके कार्य की अद्वितीयता को के योगदान के लिए, कार्य करने में अद्वितीय योगदान करने के लिए, उनके इस योगदान को पहचान देने के लिए इसरो हर साल इसरो अवार्ड्स देता है अपने ही कर्मियों को जो उसके साथ कार्य करते हैं, उन लोगों को ही देता है। 96 को दिया हुआ है इसरो ने पुरस्कार, 2017 का इसरो अवार्ड उन लोगों को ही दिया है जो इसरो के अंदर ही कार्य करते हैं और अपना कार्य अच्छा से करते हैं, अद्वितीय योगदान होता है, उस योगदान को पहचानने के लिए देता है, ठीक है। इसमें बोल दिया इंडिविजुअल को भी दे दिया जाता है और टीम को भी दिया जाता है। जो पुरस्कार दिया 13 मार्च को, इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं बार बार चर्चा होती है, चेयरमैन वर्तमान हैं डॉक्टर के सिवन, दोनों ने मिलकर दिया पुरस्कार को। 4 कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए, एक तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड, दूसरा है था मेरिट अवार्ड, तीसरा था परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड और चौथा था टीम एक्सीलेंस अवार्ड। आपको ऐसे ही देखने हैं, इंग्लिश में ही ये कैटेगरी, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, मेरिट अवार्ड, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड एंड टीम एक्सीलेंस अवार्ड। 2017 का अवार्ड दिया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, और इस तरह से काउंटिंग करने पे 12वां नंबर पुरस्कार था। कोयला उत्पादन में वृद्धि दर कितना चल रहा है? 8% चल रहा है। इसमें लिखा है कि अप्रैल 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक वृद्धि हुई है 8% की। पहले इसी अवधि के दौरान
उत्पादन था 591.42 मीट्रिक टन, जो बढ़कर इस अवधि के दौरान अप्रैल फरवरी 1819 के दौरान हो गया है 638.46 मैट्रिक टन। इस तरह से यह 8% वृद्धि है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका उत्तर है DRDO ने, हिंदी में आपको लिखा हुआ है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। DRDO ने राजस्थान के मरुस्थल से इसका सफल परीक्षण किया हुआ है। यह आर्मी के लिए है। यह फायर एंड फॉरगेट टाइप है, मतलब फायर कर दिया भूल जाओ पहुंच जाएगी जगह पे। लो वेट है और साथ में ही देसी स्वदेशी तरीके से विकसित की हुई मिसाइल है। और आप नाम देख रहे हैं मैन पोर्टेबल, मतलब इसे आदमी खुद कैरी कर सकते हैं और खुद फायर भी कर सकते हैं। जो परीक्षण हुआ, परीक्षण में जितना भी ऑब्जेक्टिव से सारे ऑब्जेक्टिव परीक्षण में पूरा हुआ। विश्व गुर्दा दिवस किस तिथि को होता है? 14 मार्च को होता है। कल हम मैंने बताया था विश्व गुर्दा दिवस 13 मार्च को होता है। करेक्शन करना है, 14 मार्च को होता है। जिस सोर्स से लिया था उस सोर्स में आज भी 13 मार्च ही लिखा हुआ है, किंतु जब फॉलो किया तो 14 मार्च मिला है दूसरे सोर्सेस पे, तो इसको इम्प्रूव कर दिया गया है। जो जानकारी उसमें थी वो जानकारी सही थी, दिवस बस ठीक नहीं था। इसमें एडिशनल जानकारी ला दिया गया है। पर्पस इसका जो विश्व गुर्दा दिवस किडनी डे है, इसका पर्पस है अवेयरनेस को फैलाना किडनी के इम्पोर्टेंस के बारे में, किडनी कितना इम्पोर्टेंट है इसका अवेयरनेस फैलाना, साथ में ही किडनी से संबंधित जो डिजीज होती हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस जागरूकता फैलाना उद्देश्य है विश्व किडनी दिवस का। जागरूकता फैलाना ही उद्देश्य होता है किसी भी दिवस का, तो ये भी किडनी का ही, किडनी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए है। इस बार का जो विश्व गुर्दा दिवस हो रहा है उसकी थीम है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। क्या मतलब है? मतलब यूनिवर्सल कवरेज की बात कर रहा है, सब किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब हर जगह और एवरीवन मतलब सबके लिए, तो यूनिवर्सल बात कर रहा है किडनी हेल्थ, किडनी का स्वास्थ्य। इसको आपको ऐसे ही याद रखना होता है थीम किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स फिनिश होते हैं। आपको पसंद लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक देखें। इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, पूरा दिन भर नज़र रखना पड़ता है, फिर 6-7 घंटे टाइम देनी पड़ती है। यह किसी वेबसाइट किसी स्रोत से कॉपी नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से खुद से बनाया गया होता है। और आपने देखा होगा अभी जब आप कुछ दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, कुछ मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे अयोध्या मुद्दा हमने डिस्कस कर लिया, अयोध्या मुद्दा क्या है आपके मन में पूरा एक बात क्लियर हो गया होगा। फिर हमने ब्रेग्जिट डिस्कस किया था कल, ब्रेग्जिट भी समझ में आ गया होगा, ब्रेग्जिट क्या है, अभी क्या चल रहा है। हमने यूएसए और नॉर्थ कोरिया की वार्ता का डिस्कस किया था, क्या चल रहा है इसमें भी समझ में आ गया होगा। हमने चाइना यूएसए ट्रेड वार भी डिस्कस किया है, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी फॉलो अप हो रहा है वो सब मैं कंपाइल कर रहा हूँ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट होगा फिर इसमें ऐड करके टॉपिक बन जाएगा। तो अगर आप इसको रोज़ फॉलो करते हैं तो आपकी एक होलिस्टिक होलिस्टिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। साथ में अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसमें से किसी भी तरह से प्रश्न आते हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो किसी भी प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य ही यही था कि एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच डेवलप कर दी जाए जो चैनल को फॉलो करने वाले लोग होंगे उनके बीच, साथ में मेरा भी विकास होता है इससे। आज हमने देखा, जो रिकैपिंग करते हैं, क्रिकेट प्रशासन विवाद के लिए मध्यस्थ नियुक्त हुए हैं, भारत अमेरिका नवी रणनीतिक वार्ता के बारे में हमने देखा, फरवरी महीने का थोक मूल्याधारित मुद्रास्फीति देखा, इसरो पुरस्कार 2017 देखा, कोयला उत्पादन में वृद्धि देखा, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण हुआ है ये भी देख लिया, और थोड़ा सा करेक्शन किया और देखा विश्व किडनी दिवस 13 मार्च नहीं है, यह 14 मार्च है। लेकिन 14 मार्च के जो करेंट अफेयर्स थे उसमें जो डिस्क्रिप्शन था उसका, वह करेक्ट है, केवल डेट को करेक्ट करना है आपको। डेट होगा 14 मार्च। थैंक यू वेरी मच।